हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपको पता ही है भाई, सीआरएस स्कोर बढ़ाना और उसके बावजूद अगर आपका स्कोर बढ़ गया बट कनाडा गवर्नमेंट एक ऐसा हथौड़ा है, एक ऐसा एक्स करती है कि आपका जो स्कोर है वो कितना भी आप बढ़ा लो बट वो उस कट ऑफ रेंज में नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका जो स्कोर है ना, सीआरएस स्कोर है, वो 500 से कम है। और करंट सिचुएशन में हम बात करने वाले हैं कि क्या होने वाला है और क्या आपका जो सीआरएस स्कोर है वो आगे वाले ड्रॉ में आएगा कि नहीं आएगा, मतलब कट ऑफ बेसिकली एक कितनी जाने वाली है, वो सारी कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपका ये 500 से स्कोर नीचे है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपका चैनल में आज पहला दिन है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको पता ही है कनाडा में क्या सिचुएशन चल रही है आजकल। आपको पता ही है इमिग्रेशन जो है बहुत बढ़ चुका है, काफी सारे स्टूडेंट आ रहे हैं। उसके चलते हुए कुछ टाइम पहले कैनेडियन गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स पे रोक लगाई थी, काफी सारा उसमें रूल्स रेगुलेशन करे थे। To ensure that there is no further growth in the number of international students in Canada for 2024. और उसके बाद आप देख रहे होंगे कई महीनों से कि जो सीआरएस स्कोर है वो भाई नीचे जाने का तो नाम ही नहीं ले रहा। अगर आप अभी स्क्रीन में देखेंगे 24 अप्रैल का ये ड्रॉ है, ड्रॉ नंबर 295, देखेंगे आप यहाँ पे 1400 लोगों को बुलाया है और जो स्कोर होना चाहिए होना चाहिए 410 का। आप कहेंगे भाई इतना कम स्कोर कैसे जा रहा है, तो अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये है फ्रेंच के लिए। तो फ्रेंच लैंग्वेज में अगर आपका कुछ भी है या आपने उसका सर्टिफिकेशन किया हुआ है तो ये उनके लिए है और 410 आई थिंक एक डिसेंट नंबर है फ्रेंच वालों के लिए। बट जो मैं बात है, मैं इस चीज के बारे में बात नहीं करने वाला कि क्या कट ऑफ वगैरह गई है, वो तो है ही है। तो अगर आप इस सीआरएस स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे ना तो यार काफी जो पिक्चर है वो यहाँ पे क्लियर हो रही है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो 600 की रेंज है ना, 600 से 1200 वाली, तो यहाँ पे 1000 लोग हैं, मतलब इनका तो शॉर्ट शॉर्ट हो ही जाएगा आज नहीं तो कल। 500 से 600 वाले जो लोग हैं भाई, इसमें 10625 लोग हैं, काफी बड़ा नंबर है भाई ये 10625 का। और फिर जो 451 से है उसमें है 60933 लोग हैं, मतलब करीबन 61000 आप मान सकते हैं। अगर इसका आप ब्रेक डाउन करें 451 से 500 की रेंज का, तो आप यहाँ भी देखेंगे 491 से 500 के बीच में 7500 लोग तो ऑलरेडी है। तो 481 से 490 के बीच में 11000 लोग हैं और उसके बाद अगर आप फिर 471 में आते हैं तो उसके बाद 16000 हैं। तो सबसे बड़ा जो चंक है लोगों का यहाँ पर है 16928 इस पर्टिकुलर रेंज में, जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 451 से 500 की जो रेंज है। तो काफी लोग जो है 471 से 480 की रेंज में बैठे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कैसे आप अपना सीआरएस स्कोर बढ़ा सकते हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप देख सकते हैं और काफी सारे उसमें हेल्पफुल टिप्स हैं। तो अगर आप इस नंबर को देखेंगे 451 से 500 के बीच में 60000 लोग ऑलरेडी प्रेजेंट है और 491 से 500 में 7520 लोग हैं। आपको पता ही है यार, आप एक्टिवली देख रहे हो तो ये जो पूल है, जितने भी ये नंबर है या ये नंबर है, मतलब कितने भी नंबर है, ये कांस्टेंट नहीं रहते, ये बढ़ते रहते हैं जैसे जैसे लोग एंटर करते हैं और एग्जिट भी करते हैं, तो ये कम होते रहते हैं, ज्यादा होते रहते हैं, बट मैंने आज तक नहीं देखा कि ये नंबर कभी कम हो रहे हैं। ये तो आजकल रिसेंटली आप देख रहे होंगे काफी सारे जो बंदे पूल में एड ही हो रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं। और कुछ ही ऐसे कम लोग हैं जो जिनका जो सीआरएस कट ऑफ है आ रही है 500 से ऊपर है, तो आपकी शॉर्ट शॉर्ट जनरल कैटेगरी में तो आ ही रही है आजकल रेंज। आगे जाके मैं उस रेंज के बारे में बात करूंगा, बट अगर आप देखेंगे कि अगर आपका 500 से स्कोर नीचे है तो 60000 लोग ऑलरेडी बैठे हैं और उसमें से भी 7500, मतलब जब ये यहाँ पे ड्रॉप आएगा ना, इसमें जब सीआरएस स्कोर में ड्रॉप आएगा उसके बाद जब ये वाली जो लाइन है, मुझे लगता है 8 से 9000 या 10000 से भी ऊपर चले जाएंगे और 491 इसमें वो लोग भी हैं फ्रेंच वाले और अदर कैटेगरी वाले, तो वो सारा कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है, वो हम बात नहीं करें। बट जब भी स्कोर ड्रॉप होगा, ठीक है, मान लीजिए आप 491 की रेंज में चले गए, आपको पता ही है 500 प्लस से चल रहा है 525 515, तो जब भी ये स्कोर ड्रॉप होगा तो इन लोगों का पहले नंबर आएगा और इसमें लोग बढ़ जाएंगे। मैं थोड़ा बोर्ड क्लीन कर देता हूँ। और उसके बाद जो 11000 है, आपको पता ही है नंबर बढ़ जाएगा, फिर 16000 है, सारे नंबर बढ़ जाएंगे, बट आप देख सकते हैं कि इस रेंज में कितने लोग हैं, ठीक है। इन लोगों का भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर के मिड में आ जाए, हो सकता है कह रहा हूँ, ठीक है, बट आजकल जो पिछले एक साल से मैं देख रहा हूँ उसमें काफी सारा जो कॉम्पिटिशन है वो हो गया है, स्टूडेंट आ रहे हैं वर्क कर रहे हैं तो उनका सीआरएस स्कोर बढ़ जाता है, या लोग मास्टर्स करने आ रहे हैं तो ये सारे लोग हो जाते हैं, फिर पीएनपी वाले हो गए, ठीक है, तो वो सारे कुछ एडिशन होते रहते हैं। बट अगर आप इंडिया में है तो आई नो क्या काफी प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब काफी टेंशन भी रहती है अगर आपका एक एम है कि कनाडा जाना है। जैसे मैं इंडिया में था, मैं समझता हूँ मैं इंडिया में था और अपने सीआरएस स्कोर का मतलब कट ऑफ का वेट कर रहा था, तो मैं पूरा रिलेट कर सकता हूँ। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी जो है 491 से 500 लोगों का, मुझे नहीं लगता ये जो रेंज है इस वाली, तो इसमें इस साल नंबर आने वाला है। तो 500 से लेके 600 ये जो रेंज है, अब मैंने काफी नीचे बात कर ली, बट यहाँ आप देख रहे हैं कितने लोग हैं, 10625 लोग हैं और ये नंबर जो है ना ये बढ़ता ही रहता है नंबर, ऐसा है। तो 10625 लोग हैं और अगर
आप ड्रॉ भी होते रहेंगे और कुछ लोग एंटर करते रहेंगे, तो ये 10,000 लोग हैं। अगर महीने में 2,000 भी करेंगे तो इस साल 500 से नीचे तो भाई स्कोर नहीं आने वाला, और हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर के मिड में भी 500 से अप रहे, बट यू नेवर नो। तो आप कुछ ना कह नहीं सकते कि एकदम से भाई काफी सारे लोग वो कर दे, मतलब इन्विटेशन दे दे, बट करंट सिचुएशन के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि 500 से नीचे इस साल कोई स्कोर जाने वाला है। बट अगर आप इस वाली लेन में है ना, मैं इसकी बात करूंगा, अगर आप इस कैटेगरी में हैं जो 7,500 लोग हैं 491 से 500, और अगर आपने अभी भी ट्राई नहीं किया है कुछ स्कोर बढ़ाने का, तो प्लीज यार कुछ ना कुछ देखो, स्कोर बढ़ाओ और होपफुली आपको 500 के पार आप क्रॉस कर सकते हो। इस रेंज में जो लोग हैं आप लोग भी कोशिश करो, जैसे आप फ्रेंच सीख सकते हो अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया हुआ है, या मीनवाइल जब आप वेट कर रहे हो मास्टर्स भी कर सकते हो। मास्टर में आई नो 2 साल लग जाते हैं, बट अगर आपका अल्टीमेट गोल है तो मास्टर आप कर सकते हो, मास्टर्स आप कनाडा में आके भी कर सकते हो, तो वो सारा आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो भाई लैंग्वेज इंप्रूवमेंट और साइड बाय साइड कोई कोर्स या फ्रेंच ही ऐसे कुछ ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं। साथ में मैं ये एडवाइस भी करूंगा कि आप ना सिंगल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर आप दो लोग हैं अपने स्पाउस के संग यहाँ आना चाह रहे हैं तो एक बार आप ट्राई करना, प्रोफाइल बना के देखना या कैलकुलेटर में जाना, CRS कैलकुलेटर में, और जरूर चेक करना कि विदाउट स्पाउस का आपका कितना स्कोर बन रहा है और विद स्पाउस आपका कितना स्कोर बन रहा है। अगर आपका बहुत मेजर डिफरेंस है तो वही आप कैरी फॉरवर्ड करिएगा। अगर मान लीजिए आपका विदाउट स्पाउस जो स्कोर है 500 के पार जा रहा है बट विद स्पाउस कम है, तो आप कर सकते हैं विदाउट स्पाउस आप अपनी स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। वंस आपका इनविटेशन टू अप्लाई IT वगैरह आ गया तो उसके बाद आप कुछ 1-2 साल में अपनी वाइफ को भी यहां बुला सकते हैं कनाडा में, तो वो भी एक ऑप्शन रहता है। तो जैसा आप देख रहे हैं ये कुछ रीसेंट ड्रॉ है, और आप देख रहे होंगे कि अप्रैल के महीने में भाई 4 ड्रॉ हो चुके हैं, ठीक है, और जो CRS स्कोर है 410, 529, 491, 549, 549 और 529 ये जनरल कैटेगरी के लिए है, और स्टेम वाले हैं 491, 410। ये भी स्टेम का भी मुझे काफी हाई स्कोर ही लग रहा है, और स्टेम में काफी सारी कैटेगरी है, इंजीनियरिंग रिलेटेड है और मैथ्स रिलेटेड है, बट ये स्कोर भी काफी हाई है। और ये फ्रेंच वाला मुझे ठीक लगा, 410 एक्सेप्टेबल है, बट आप देख रहे हैं फ्रेंच में यहाँ देखिए यार 388 का स्कोर, और जनरल तो आप देख रहे हैं 500 है, 525, तो भाई जनरल तो 500 से नीचे आप आ ही नहीं रहा, ठीक है 520 की रेंज में ही है, बट फ्रेंच वाले देखिए 336 भी है, और एग्रीकल्चर में भी काफी स्कोर है। एग्रीकल्चर के ऊपर मुझे वीडियो बनाना है, इनो काफी टाइम हो गया एग्रीकल्चर के ऊपर मुझे वीडियो बनाना है, और उसके बाद हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन का भी ज्यादा काफी सारे लोग हैं, बट जनरल ऑलवेज देखिए 535 और फ्रेंच में 365, और इस बार का फ्रेंच में 410 भी ठीक है बट मोस्टली 300 की रेंज में ही है। अगर आपने अभी तक यार फ्रेंच का सीखना चालू नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो अगर आपको कनाडा में आना है। वैसे तो मैं कहूंगा कनाडा में वो जो चार्म है ना वो नहीं रह गया है, और काफी सारी प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं। अगर आप वेल सेटल्ड हो इंडिया में या अपनी होम कंट्री में तो भाई वहीं रहो, यहाँ आने की अभी कोई जरूरत नहीं है, और आप देख रहे हैं कितनी मेहनत करके आप यहाँ आओगे फिर जॉब ढूंढोगे तो काफी सारी प्रॉब्लम्स है। आई नो स्ट्रगल करना इज फाइन, बट हाउसिंग मार्केट अब वो नहीं रही जो कुछ साल पहले थी। तो भाई अगर आपका 500 से नीचे का स्कोर है ना तो फ्रेंच सीखना चालू कर दो, नहीं तो भाई आप ये जो ड्रीम है आपका कनाडा आने का वो छोड़ना पड़ेगा, या फिर आपको स्टूडेंट बन के ही आना पड़ेगा, डायरेक्ट PR वो नहीं लगने वाला। फ्रेंच एक ऐसा चीज है अगर आप मेहनत करेंगे, आई नो इट्स कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज है, अभी हम आप बोलोगे यार हम इंग्लिश में तो IELTS में तो बड़ी मुश्किल से आ रहा है तो फ्रेंच कैसे करेंगे, बट अगर आपको कनाडा आना है तो ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसमें एक्सक्यूजेस अगर आप दोगे तो फिर कनाडा आना मुश्किल है। तो यही था छोटा सा वीडियो, अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में करो, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, टिल देन बाय।